Good morning, children. Good morning. Good morning, everybody. सवेरे का शुभोदय. प्रीवियस क्लास में आप सीखे थे क्या स्वराक्षर. स्वराक्षर के मात्राएं, मात्राएं के साथ बारह कड़ी, बारह कड़ी के साथ शब्द रचना, वाक्य रचना सीखे. सीखने के बाद आपको थोड़ा हिंदी की गिनती सीखेंगे. आज आपको हिंदी के गिनती एक दो तीन चार, इंग्लिश में 1 2 3, कन्नड़ में 1 2 3 4 5, ऐसा आज हिंदी में एक दो तीन चार सीखेंगे. चलो, आपको पता है क्या इंडिया, इंग्लिश या लैंग्वेज कोई भी हो, आपको नंबर्स आना बहुत मुख्य होता है. इसलिए आज हम आपको हिंदी की गिनतियाँ कैसे होते हैं आपको पता है. पहली कक्षा में आप 1 से 10 तक सीखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप सीखे थे. लिखने का भी सीखे थे, बोलने का भी सीखे थे. चलो आज हम 11 12 सीखेंगे. पहले का थोड़ा दोहराएंगे, याद कराएंगे. देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप सीखे थे ना. लिखने का भी तरीका भी सीखे थे. इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक दो तीन चार लिखने का भी आपको सीखे थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप सीखे थे ना. और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप पहली कक्षा में एक कंप्लीट हुआ था. आज 6 11 12 सीखेंगे. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंग्लिश में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपको. और एक बार दोहराएंगे मेरे साथ ही, आप भी बोलो. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 और एक बार 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक बार 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 देखिए लिखेगा 11 11. आपको यहाँ लिखेगा याद देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए ये एक ही रहता है, दो एक के साथ दो
तीन, एक के साथ छह, एक के साथ पांच, एक के साथ छह, एक के साथ सात, एक के साथ आठ, एक के साथ नौ, एक दो बीस। अब ये यहाँ लिखते हैं ना, देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पहला लाइन ये जैसा होता है, दूसरा लाइन पहला लाइन से मिला कर बनता है। देखिए आपको लिखने का भी याद आया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 याद है ना। तो आपको आया समझ कर मैं ये क्लास समाप्त करने जा रही हूँ, और एक बार आपको दोहराती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। घर में भी बार बार दोहराइए। आपको ये नंबर ए टेबल्स ए गिनती आ जाएगा नंबर से, और ये ऐसे 1 को आपको ये आपको गिनती मैं दूंगी लिखने के लिए, लिखना बोलने के लिए भी मैं आपको पूछती हूँ, आपको बोलने का भी सीखना। घर में बार बार दोहराइए, आपको आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही बस। कल के लिए और एक नया विषय लेकर आऊँगी। समाप्त करती हूँ।